कोविड के साथ साथ म्यूकोरमाइकोसिस का डर भी लोगों में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जहां मैंने उसके कॉज, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे स्प्रेड होता है, क्या उसका प्रिवेंशन है, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम फॉलो कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप प्लीज़ वहाँ देखिएगा। तो इस म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए आज मैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने वाली हूँ जो आप सब ले सकते हैं, इंक्लूडिंग द डायबिटिक पेशेंट्स। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो वेलकम टू माई चैनल Your Fit Bharat and I am Dr. Rashmi Sharma. I am an Ayurvedic doctor practicing in Bangalore. सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है उसमें आता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट इज़ द यूज़ ऑफ मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग। तो जब आप मास्क का यूज़ करते हैं तो मेक श्योर अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो आप उसे रीयूज़ ना करें, अगर वॉशेबल मास्क है तो कम से कम दिन में दो बार अच्छे से वॉश करके ड्राई करके आप उसे यूज़ करें। जितना हो सके गुनगुना पानी, वार्म वाटर पीते रहें, नेजल स्टीम लेना, देन प्रॉपर डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज विच इंक्लूड्स आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। कुछ ऐसी पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि ये वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई तीनों से आपको बचाने में हेल्प करती हैं। तो इसमें आता है आंवला जूस, एलोवेरा जूस, नीम जूस, गिलोय जूस, नोनी जूस एंड देन तुलसी का अर्क। तो ये जो जूसेस मैंने बताए हैं ये 18 टू 70 इयर्स का जो एज ग्रुप है, 18 से 70 वाला, उसमें कोई भी ले सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और जिन लोगों को डायबिटीज़ हैं वो भी ये जूस फॉर्म को ले सकते हैं। देन कुछ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स हैं जिसमें आता है अश्वगंधा कैप्सूल, आरोग्यवर्धनी टैबलेट, चंद्रप्रभा टैबलेट, संशमनी वटी, ये कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो अगेन 18 टू 70 एज ग्रुप में कोई भी ले सकता है और इनके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। डायबिटीज़ जिनको है वो भी ले सकते हैं, कैंसर पेशेंट्स भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो जूसेस हैं, टैबलेट्स हैं, इनकी डोसेज क्या है। तो डोसेज के लिए आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से फ़ोन पे बात कीजिए और तब आप इन मेडिसिंस को लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द नस्यकर्म। आयुर्वेदा में ये जो नस्यकर्म बताया गया है, इट्स अ वंडरफुल टेक्निक टू प्रिवेंट एयरबॉर्न इन्फेक्शंस लाइक कोविड-19 एंड म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो नस्य कर्म है इसमें हमें फॉलो करना है प्रतिमर्श नस्य, विच मीन्स द डेली एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इनसाइड द नॉस्ट्रल्स। सुबह शाम आपको अपने नाक में ऑयल लगाना है और ऑयल कौन सा लगाना है उसके लिए आपको यूज़ करना है षडबिंदु ऑयल या फिर आप लगा सकते हैं अनु तेल। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इनकेस अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप नॉर्मल सरसों का तेल भी अपने नाक में लगा सकते हैं। तो अब इस नस्य कर्म से या ऑयल एप्लीकेशन इन द नोज़ इससे होगा क्या? तो आयुर्वेदा एक्सप्लेन्स इट वेरी क्लियरली। आयुर्वेदा सेज कि जब हम ऑयल लगाते हैं, ये जो ऑयल्स मैंने बताए हैं इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, यानी कि ये काम करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई, ऑल थ्री। तो जब हम इस ऑयल को नाक में लगाते हैं तो ये एक प्रिवेंटिव लाइन बनाता है ताकि इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हैं, इनकी एंट्री हमारे नाक में ना हो। तो एक प्रिवेंशन की लाइन भी सेट होती है और इन केस अगर एंट्री होती है तो वहाँ पर ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो ऑयल काम करता है अगेंस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये इस नस्य कर्म का फ़ायदा होता है। सो आई रिक्वेस्ट everyone टू फॉलो दीज आयुर्वेदिक मेजर्स ताकि आप अपने आप को कोविड-19, म्यूकोरमाइकोसिस, एस्पर्जिलोसिस, इस तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा पाए। नेजल एप्लीकेशन में जो आप ऑयल यूज़ करेंगे, षडबिंदु, अनु तेल या फिर सरसों का तेल, तो उसको आप एक से दो ड्रॉप एक एक नॉस्ट्रल में आप लगा सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। If you find this video informative, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Stay safe and take care.